हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। सेट पेपर वन की सफलता के साथ जो है दूसरा सेट पेपर आज आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी का बढ़िया से सपोर्ट मिला, बढ़िया से प्यार मिला हमें सेट पेपर वन में, ठीक है। तो आपके लिए आज जो है AGTA कृषि प्राविधिक का UP SSSC AGTA कृषि प्राविधिक प्रैक्टिस सेट 2 जो कि पूरा का पूरा आपके परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन आपको UP GK के मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए एक टारगेट है आपका, अगला सेट पेपर या फिर कहें सेट 3 आपको जब लगवाया जाएगा तब आपका जो है इस वीडियो पर एक है कि 1000 व्यू हो जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। 1000 व्यू ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, 1000 व्यू चाहिए है इस सेट पेपर पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। विजन एग्री अकेडमी आपको जो है हर संडे को जो है प्रैक्टिस सेट तो देखो फ्री में लगवाता ही है, या फिर कहें एक तो देखो ब्रांच पर हमारे जो है सेट पेपर लगवाए जाते हैं, और साथ में साथ आपके जो टेलीग्राम चैनल पर है तो उस पर हर संडे या फिर कहें प्रत्येक रविवार को सेट पेपर आपके लगवाए जाते हैं, ठीक है। जो कि आपके PDF फॉर्म में आपको एक है टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। विजन एग्री अकेडमी की तरफ से आपका कृषि प्राविधिक सहायक 2024 प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन कृषि विज्ञान के रहने वाले हैं, भाग 2 में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहने वाले हैं, और भाग 3 में 20 क्वेश्चन किसके रहने वाले हैं आपके UP GK उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से। ये हमारा टेलीग्राम है विजन एग्री अकेडमी, अगर ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि नोट्स से संबंधित कोई क्वायरी है, टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई क्वायरी है, या फिर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा पता है, ब्रांच का पता, रिसाला मंदिर के पास, डैम रोड, बर्णी चौराहा, ललितपुर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। क्लियरली दिख रहा है ना, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से, या उत्पादों के अच्छे मूल्य से। जल्दी से आंसर कीजिए। भाग 1 कृषि विज्ञान, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक साधनों से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी से सहायता से, या उत्पादों के अच्छे मूल्य से। देखो टिकाऊ कृषि होती क्या है, इसे हम जो है नॉर्मली ये कह सकते हैं आपका प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, या टिकाऊ, या फिर कहें आपका एक तरह से कंप्यूटरीकृत खेती होती है। तो इस जो है अधिक तकनीकी सहायता से, या स्थान विशिष्ट खेती भी इसे कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका, अधिक तकनीकी सहायता से जो है टिकाऊ कृषि जो है प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है नॉर्मली ड्रोन्स का प्रयोग, आपके सैटेलाइट का प्रयोग, या फिर कहें GPS का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है आपका किसमें, प्रिसीजन फार्मिंग या टिकाऊ कृषि में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, बढ़िया से आंसर करते रहिएगा भैया। पहला दूसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है गेहूं का खपड़ा कीट जो है हानिकारक होता है लार्वा अवस्था में, गर्भ अवस्था में, निम्फ अवस्था में, या मैगट अवस्था, जो आपका एक है खपरा बीटल होती है, खपड़ा कीट होता है, खपरा कीट, यहाँ पर जो है खपरा बीटल होना चाहिए, खपरा बीटल जो होती है वो किस अवस्था में पौधों को नुकसान पहुँचाता है। ए लार्वा अवस्था में, बी गर्भ अवस्था में, सी निम्फ अवस्था में, या डी मैगट अवस्था में। तो बात करें सही आंसर की, तो आपका जो खपरा बीटल है वो किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता है आपका, गर्भ अवस्था में। किस अवस्था में आपका, गर्भ अवस्था में नुकसान पहुंचाता है, कौन आपका, खपरा बीटल, कौन भैया, खपरा बीटल गर्भ अवस्था में जो है नुकसान पहुँचाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, सफ़ेद भृंग का वैज्ञानिक नाम, सफ़ेद भृंग का वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा, होलोट्राइकिया कॉन्सेंगोनिया, स्पोर्ट ऑप्टेरा
लाइटोस या बेमेसियाई टवेसी, या फिर कहें बेमेसियाई टवेकी, जो आपका सफ़ेद भृंग है उसका जो है साइंटिफिक नेम या फिर कहें आपका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सफ़ेद भृंग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया। ठीक है, बढ़िया से आंसर लिख दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, या तो आंसर हमने बता दिया है कि होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया जो है सफ़ेद भृंग का क्या है वैज्ञानिक नाम है, जो कि किसके अंदर लगता है आपका ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली आदि के, या फिर कहें हम इसे व्हाइट ग्रब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ग्रब भी कहते हैं। तो ये आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि में लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपका, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, कैनाल, टनल, माउंड या कैप, किस नाम से जो है हम ये कह सकते हैं कि दीमक का जो स्थान है, निवास स्थान है जहाँ पर वो बास करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें सही आंसर की तो उसे हम क्या कहते हैं आपका, माउंड कहते हैं। ऑप्शन सी माउंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी माउंड। ठीक है, दीमक के जो निवास स्थान को और किस नाम से जानते हैं हम आपका, माउंड के नाम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, पायरेला कीट, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, पायरेला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? चुभाने एवं चूसने वाले, काटने एवं चबाने वाले, चबाने एवं चाटने वाले, शेषाकार या शोषकाकार, किस प्रकार के जो है पायरेला कीट में मुखांग पाए जाते हैं? तो बच्चों बात करें पायरेला कीट की, तो पायरेला कीट में चुभाने व चूसने वाले, ऑप्शन ए चुभाने एवं चूसने वाले क्या पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं, किस में आपका जो है पायरेला कीट में। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है, प्रारूप, खिंचाव, अश्वशक्ति या जोर, या फिर कह सकते हैं आपका किसी भी चीज़ को खींचने के लिए, जैसे मान के चलो आप ट्रैक्टर से ट्रॉली को खींच रहे हो, तो उसे किस जो है माप क्या कहोगे, प्रारूप कहोगे, खिंचाव कहोगे, अश्वशक्ति या जोर, तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे आपका, अश्वशक्ति कहेंगे। कार्यान्वयन को खींचने की जो मतलब कि खींचने के लिए आवश्यक कुल बल की आवश्यक कुल बल को कहा जाता है आपका ये कह सकते हैं अश्वशक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर अश्वशक्ति सही आंसर। हैरो यंत्र है प्राथमिक भूपरिष्करण, न्यूनतम भूपरिष्करण, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। बेसिकली जो आपका हैरो है, हैरो कैसा है आपका, द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है, ना तो प्राथमिक है, ना तो न्यूनतम भूपरिष्करण है, ना तो मिनिमम है, ना ही आपका जो है उपयोग दोनों है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो हैरो है कैसा है, द्वितीयक भूपरिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है, हैरो कैसा है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हैरो कैसा है आपका, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए अनाज की बुआई में, फसलों की कटाई में, अनाज की मिलिंग में, उपरोक्त दोनों में। अनाज की देखो बुआई में तो थ्रेसर का प्रयोग नहीं किया जाता है, फसलों को काटने के लिए भी नहीं किया जाता है, है ना, फसलों को काटने के लिए भी नहीं किया जाता है, तो अनाज की मिलिंग या फिर कहें मड़ाई में जो है प्रयोग किया जाता है किसका, थ्रेसर का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 8वें का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, अनाज की मिलिंग में प्रयोग किया जाता है आपका किसका, थ्रेसर का। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड द्वारा, आयोडाइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा या फिर कहें फास्फाइड द्वारा। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है ए ब्रोमाइड, बी आयोडाइड द्वारा, सी आपका क्लोराइड द्वारा या डी आपका फास्फाइड
फास्ट फाइट द्वारा। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो नाइन्थ नंबर का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका क्लोराइड, क्योंकि हम जो नॉर्मली ये कह सकते हैं बीज अंकुरण क्षमता को हम टेट्राजोलियम क्लोराइड द्वारा परीक्षण करते हैं, है ना। तो टेट्राजोलियम परीक्षण जिसे कहा जाता है ना, तो टेट्राजोलियम परीक्षण में जो केमिकल प्रयोग किया जाता है टेट्राजोलियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है बीज अंकुरण का क्षमता का परीक्षण किया जा सकता है किसके द्वारा, क्लोराइड द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सेट पेपर आपको जो है लेकर आने वाले हैं। और साथ में साथ बच्चों और अधिक देखो हम आपके लिए 50 सेट पेपर करवाने वाले हैं, और एक शर्त है कि आपको हर एक सेट पेपर पर हमें 1000 व्यू चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संकर धान की एक हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी। संकर धान की एक हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर कितनी होगी, 40 किलोग्राम, 40 से 42 किलोग्राम, 30 से 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 27 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 18 से 20 किलोग्राम। किसके लिए आपका, संकर धान के लिए या फिर कहें आपका हाइब्रिड जो राइस होता है उसके लिए। तो नॉर्मली हाइब्रिड राइस के लिए जो बीज दर हो रखी जाती है वो कितनी होती है आपकी, 18 से 20 केजी। कितनी भैया, 18 से 20 केजी। यदि आप ये कहें कि SRI विधि या फिर कहें कि आपका ड्रिलिंग से बो रहे हो या फिर कहें सीड ड्रिल से बो रहे हो, देखो सीड ड्रिल से कितना चाहिए होता है, धान की बीज दर की बात कर रहे हैं, सीड ड्रिल से कितना चाहिए, सीड ड्रिल या बीज ड्रिल से, सीड ड्रिल से कितना चाहिए होता है आपका, 60 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना चाहिए, 60 केजी प्रति हेक्टेयर। यदि ब्रॉडकास्टिंग से या छिड़कवा विधि से कर रहे हैं तो कितनी चाहिए हमें बीज दर, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक। और यदि हम डेपोक विधि से कर रहे हैं, किससे भैया, डेपोक विधि से कर रहे हैं, तो कितना चाहिए हमें, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना कि कितना, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। यदि एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 90 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। किसमें आपका जो है, डेपोक विधि में, किसमें आपका, डेपोक मेथड से। आगे एक सिस्टम और है आपका SRI विधि से, ऐसा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इससे जो है बीज दर कितनी चाहिए होती है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विभिन्न मेथड से आपकी किसकी, धान की बीज दर, ठीक। आगे बात करें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, 11 का आंसर करिए, सीड प्लॉट तकनीक अपनाते हैं बीज प्लॉट तकनीक, इसे जो है बीज प्लॉट तकनीक भी कहा जाता है, प्याज में आपका जो है, आलू में, गन्ने में या टमाटर में। तो बेसिकली हमने जो है पिछले अगर कि आलू की कक्षा आपने देखी हुई तो उसमें हमने पढ़ाया था कि सीड प्लॉट तकनीक किस में अप्लाई जाती है आपकी, आलू के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रोअर के लिए टैग का रंग होता है, ग्रोअर के लिए टैग का रंग होता है सफेद, पिंक, हरा या पीला। जल्दी से आंसर बताइए कि ग्रोअर के लिए किस कलर का टैग लगा होता है, तो वो लगा होता है आपका पिंक कलर का, है ना। ग्रोअर के लिए या फिर कहें जो आप नए नए जो सीड प्लॉट लगाते हैं उसके लिए क्या, कौन सा आपको रंग होता है टैग का, पिंक कलर का। जल्द बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण, ठीक है, जल्द बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण जो है कौन सा कहलाता है, टेट्राजोलियम परीक्षण कहलाता है। कौन सा परीक्षण कहलाता है आपका, टेट्राजोलियम परीक्षण। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल्द बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण क्या कहलाता है आपका, टेट्राजोलियम परीक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, RARA, RI या फिर सॉरी यहाँ पर IARI होना चाहिए था, IARI
आइए आरआई नई दिल्ली, करनाल में, लुधियाना में या कानपुर में। तो बेसिकली जो आपका भारत में गेहूं का जीन बैंक है वो कहाँ पर है आपका, करनाल के अंदर है। कहाँ पर है आपका, करनाल के अंदर है, ठीक है। और आपका जो है कानपुर में आपका पल्स रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान है। और आपका जो लुधियाना में आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो है आपका पीएचटी लुधियाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक, संपूरक, अनुपूरक या परस्पर अवरोधी। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की, कह रहा है दूसरी फसल की वृद्धि में सहायक, उपज वृद्धि में सहायक मतलब कि एक दूसरे में को सहायता करती हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक, संपूरक, अनुपूरक या परस्पर अवरोधी। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। आंसर कीजिए जल्दी से, ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो बेसिकली वह फसलें जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं तो वह कौन सी होती है आपकी, संपूरक होती है। संपूरक फसलें वह फसलें जो एक दूसरे के जीवन चक्र में एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। जैसे आपका मक्का और लोबिया का एग्जाम्पल लें, मक्का प्लस लोबिया। मक्का जो है लोबिया को क्या देगी बच्चों, सहारा देगी, जबकि लोबिया जो है मक्का के लिए जो है नाइट्रोजन फिक्स करेगा या नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट देगा या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा जड़ों में, तो वह जो है किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, मक्का के द्वारा। लेकिन लोबिया कैसा है आपका, रौसा तो देखा होगा ना सभी ने, रौसा जो होता है उसको चढ़ने की जरूरत होती है या फिर कोई सहारा चाहिए होता है, तो मक्का उसे सहारा प्रदान करेगी और लोबिया नाइट्रोजन, मतलब एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वो कौन सी फसलें आपकी, संपूरक। अनुपूरक वह फसलें जिनको जो है एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि अलग अलग हैबिट की, जो ना तो एक दूसरे के जीवन चक्र में या फिर कहें लाभ पहुंचाते हैं ना ही नुकसान करते हैं, वो आपकी अनुपूरक होती है, प्रतिस्पर्धी, जो आपके नुकसान पहुंचाते हैं दूसरी फसल को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अंता फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है 0, 1 से कम, 1, 1 से अधिक। जल्दी से आंसर कीजिए, जो भूमि तुल्यांक है या फिर कहें भूमि तुल्यांक अनुपात है वो कितना हो, तो आपका जो है अंता फसली खेती क्या होती है, लाभदायक होती है। तो देखो जब आपका LER या लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, LER लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या फिर भूमि तुल्यांक जो अनुपात है एक से अधिक होता है, तो अंता फसल खेती कैसी होती है आपकी, लाभदायक होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, बेसिकली हम एक क्लास लेने वाले थे लाइव, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि उसमें बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही, तो हमने कहा चलो रिकॉर्डेड देते हैं, ठीक है। आपके 500 जो है व्यू हो चुके हैं, पहली वीडियो का टारगेट था 500 व्यू, मतलब 500 व्यू आ जाएंगे तो हम आपको सेकंड वीडियो डिलीवर करेंगे, ठीक है, किसकी, आपकी सेट पेपर की। और जैसे ही आपके 1000 व्यू आ जाएंगे इस वीडियो पर, वैसे ही आपको थर्ड सेट पेपर भी आपको जो है डिलीवर किया जाएगा, और थर्ड सेट पेपर का जो वॉच आवर, सॉरी व्यू का वो टारगेट है वो है आपका 1500, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, साइट्रिक अम्ल का, मैलिक अम्ल का, टॉटरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। फलों से जेली बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका किसका, साइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन ए 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ठीक है। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है आपका, साइट्रिक अम्ल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वें क्वेश्चन, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है, जेली बनाना,
कैनिंग, जमाना या धूप में सुखाना। मतलब कि ये कहें कि आप घर पर जो है कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो कौन सा मेथड जो है सबसे सस्ता है घरेलू स्तर पर। तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्वेश्चन नंबर जो है 18 है। तो देखो नॉर्मली हम धूप में सुखा रहे हैं तो ये आपका सबसे सस्ता मेथड है। जेली बनाना है तो कुछ केमिकल चाहिए हुए, कैनिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिब्बे चाहिए हुए, डिब्बाबंदी करनी पड़ेगी, एक सील पैकेजिंग या फिर बहुत सारी प्रोसेस होती है। जमाना है तो आपको फ्रिज चाहिए होगी, है ना। तो धूप में सुखाना नॉर्मली घर के रूप में एक सस्ता मेथड है, आप कहें घरेलू ग्रह का जो है ग्रह स्तर या घर के स्तर पर जो है एक सस्ता मेथड है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है बच्चों, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। ऑप्शन ए जिंक, बी बोरॉन, सी आपका फास्फोरस, डी सल्फर। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, ए जिंक, बी बोरॉन, सी फास्फोरस और डी सल्फर। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। 19 का आंसर क्या होगा, तो जो आपका फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है आपका, फास्फोरस। ऑप्शन सी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में या फिर कहें जो आपका फास्फोरस होता है उसे फाइटिक एसिड या फाइटिक अम्ल या फाइटिन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 20, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए। सुखाकर अनाज का भंडारण, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो जब भी आप अनाज को भंडारित करते हैं, सुखाना तो देखो जरूरी है क्योंकि सुखाओगे नहीं तो विभिन्न प्रकार के कीट लग जाएंगे, है ना, और आपका जो है अनाज भी खराब हो जाएगा। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। भंडारण की जगह का क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से आप लोग जो है कमेंट में जो है करते रहिए, अपने आंसर लिखते रहिए, आपके कमेंट्स हमें दिखते हैं, ठीक है। लाइव तो नहीं लेकिन प्रीमियर करते हैं तो लाइव जैसा ही होता है, ठीक है। तो आपके कमेंट्स हमें दिखते हैं तो बढ़िया से जो है आंसर करिएगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है आपका, जूट का अधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पश्चिम बंगाल या डी आंध्र प्रदेश। जो आपका जूट है उसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है आपका बच्चों कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम फसल है मक्का, आलू, गेहूं या धान। कौन सी फसल जो है आपकी प्राचीनतम फसल है, किसकी, ये कह सकते हैं प्राचीनतम या क्या कहें पुरानी फसल है, कौन सी भैया, पुरानी या प्राचीनतम, तो वो है आपकी गेहूं। हमने पढ़ाया था कि सबसे पहले 7500 ईसा पूर्व में, कब भैया, 7500 ईसा पूर्व में आपकी जो है गेहूं की खेती व जौ की खेती प्रारंभ हुई थी। तो सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी होगी आपकी, यहाँ पर गेहूं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है, ए कपास, बी मूंग, सी धान, डी गेहूं। निम्नांकित में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल, अंतर्वर्ती मतलब कि इंटरक्रॉप या अंतर्वर्ती फसल या फिर कहें जो दूसरी फसलों के साथ में उगाई जाती है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मूंग। मूंग को जो है नॉर्मली अंतर्वर्ती या फिर कहें इंटरक्रॉप के रूप में उगाते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी में खेती करने के तरीकों किस नाम से जाना जाता है, वायु कृषि, जियोपोनिक, हाइड्रोपोनिक या मोनोपोनिक। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या भैया, यदि हम पानी में खेती कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं आपका, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है मक्का में परागण का तरीका या ढंग है, ऑप्शन ए स्व परागण, बी वानस्पतिक प्रजनन, सी पर परागण या डी कोई नहीं। तो मक्का जब हमने कल पढ़ाई थी, कल या परसों के लेक्चर में आप देखिएगा, पिछले लेक्चर में मक्का हमने पढ़ाई थी, तो हमने पढ़ाया था मक्का कैसी है आपकी, पर परागणित वाली या फिर क्या पर परागण फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेटेड जो है सही आंसर हो जाता है मक्का में, ठीक है। 25 का ऑप्शन सी सही आंसर है, 25 सी।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, पौधा जो फोटो श्वसन नहीं करता है या फिर कहें प्रकाश श्वसन नहीं करता, वह पौधा जो प्रकाश द्वारा श्वसन नहीं करता, मटर, गेहूं, धान या मक्का, जल्दी से आंसर कीजिए। फोटो श्वसन या फिर कहें आपका प्रकाश में श्वसन नहीं करता है तो वह है भैया मक्का। मक्का कैसा है भैया? डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल मतलब कि प्रकाश की अवधि का इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जो है फोटो श्वसन ये नहीं करता है, इसलिए से मक्का यहाँ पर जो है ऑप्शन डी मक्का यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? स्टोमेटा एवं बेंस में, स्टोमेटा एवं बातरंध्रों में, बातरंध्रों एवं सेपल्स में, बातरंध्रों एवं जल रंध्रों के अंदर, या फिर कहें एक समान प्रकार का, या फिर कहें जो क्रियाएं साथ साथ चलती रहे, समान प्रकार का कार्य जो है किसके द्वारा जो है किसके द्वारा किस में होता है, या फिर कह सकते हैं निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी या फिर डी क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का आंसर जो होगा आपका स्टोमेटा एवं बातरंध, ऑप्शन बी स्टोमेटा एवं बातरंध। निम्न किस में जो है कह रहा है, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है, तो आपका स्टोमेटा एवं बातरंध्रों में होता है। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण में होता है, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या ये सभी, तो आपका यदि अधिकतम क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, या फिर कहें अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वहाँ पर कौन सा किरण होगी, लाल प्रकाश होगा। देखो नॉर्मली ये कहें पौधों के अंकुरण के लिए भी हमें लाल प्रकाश चाहिए होता है, और साथ में साथ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए भी हमें कैसा प्रकाश चाहिए होता है, लाल प्रकाश चाहिए होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29वां क्वेश्चन है, अर्ध सूत्री विभाजन होता है पत्ती में, पराग कोष में, तने में या जड़ में। अर्ध सूत्री विभाजन होता है पत्ती में, पराग कोष में, तने में या फिर कहें जड़ में, किस में जो है अर्ध सूत्री विभाजन होता है, आंसर कीजिए। तो बच्चों बात करें आंसर की, तो वो होता है आपका पराग कोष में। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसके अंदर होता है, आपका पराग कोष के अंदर होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, पराग कोष। अगला क्वेश्चन, टिटिकेल है एक अंतर प्रजाति संकरण, अंतरा प्रजाति संकरण, अंतर जेनेरिक संकरण या अंतरा जेनेरिक संकरण। जो आपका टिटिकेल है, टिटिकेल बेसिकली आपका जो है गेहूं व रे का क्रॉस थी, तो ये कैसा है, अंतर प्रजाति संकरण है, अंतरा प्रजाति संकरण है, अंतर जेनेरिक संकरण है, अंतरा जेनेरिक संकरण, जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी या फिर डी। तो जो आपका गेहूं और रे का जो संकरण है वो कैसा है आपका, अंतर जेनेरिक संकरण है। कैसा है, ऑप्शन सी अंतर जेनेरिक संकरण है, गेहूं व रे का जो क्रॉस है, टिटिकल एक जो है अंतर जेनेरिक संकरण है। कैसा है आपका, अंतर जेनेरिक संकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31वां क्वेश्चन देखो दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ है अलैंगिक प्रजनन संबंधित है स्व अनिषेचन से, पर निषेचन से, असंग जनन से या ससंजनन से, संघ जनन से, किससे संबंधित है आपका, क्या भैया अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन किससे संबंधित है, तो वो है आपका असंग जनन से, किससे आपका असंग जनन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है असंग जनन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं, उभयलिंगाश्रयी, अनुन्मोल्य परागण, स्त्री पूर्णता, प्रोटो एंड्री, कौन सी आपके जो है प्राकृतिक परागण का अनुमोदन या फिर कहें प्रमोट करती हैं या फिर कहें बढ़ाने का कार्य करती हैं, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 4 या डी 1, 3, 4, यहाँ पर बताइए कौन सी प्रक्रिया है, उभयलिंगाश्रयी हो गया, अनुन्मोल्य परागण हो गया, स्त्री पूर्णता हो गई, प्रोटो एंड्री, कौन सा जो है प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 2, 3, 4 और एक है कि अनुन्मोल्य परागण, स्त्री पूर्णता, प्रोटो एंड्री, के एक ऐसे हैं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करते हैं, किसका अनुमोदन करती हैं, प्राकृतिक परागण का। ठीक,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है डीएनए अमीनो अम्ल आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए अमीनो अम्ल प्रोटीन, आरएनए आरएनए अमीनो अम्ल प्रोटीन्स, डीएनए टीआरएनए प्रोटीन्स या अमीनो अम्ल। सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या होगा? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा बच्चों यहाँ पर सही आंसर? जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में या चैट में लिख दीजिए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो भैया वो है आपका, पहले तो देखो प्रोटीन संश्लेषण में पहले डीएनए आता है, ठीक है, फिर आपका आरएनए आता है, फिर अमीनो अम्ल, फिर किसका निर्माण होता है आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में हम कह सकते हैं डीएनए आरएनए अमीनो अम्ल और प्रोटीन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना, अगली वीडियो में आपका सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, जीन बैंक में, क्या भैया जीन बैंक में बीजों को रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटेड कैबिनों में, शीत संरक्षण में जहां अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक है, एयर कंडीशनल भवनों में। तो जीन बैंक में बीजों को कहां पर रखा जाता है? आंसर कीजिए ए बी सी या फिर डी। तो नॉर्मली हम जो है जीन बैंक में तरल नाइट्रोजन में या फिर कहें लिक्विड नाइट्रोजन में एक कहें बीजों को रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लिक्विड नाइट्रोजन कोई भी चीज़ आपकी सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती है ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन हम क्या करते हैं? जीन बैंक में बीजों को रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 देखो लिखा हुआ है, बीटी कपास एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णु, कवकनाशी सहिष्णु, खरपतवार नाशी सहिष्णु इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली हमें पता है कि जो बीटी कपास होता है वो कैसा होता है आपका? कीटनाशक सहिष्णु। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, कीटनाशक सहिष्णु। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी गैस अब जो है जो आपके मोटर वाहन या फिर कहें गाड़ियों से निकलने वाला एक तरह से प्रमुख या कहें मुख्य गैस है? ए बी सी या फिर डी। तो जो मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस है आपकी? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? हरियाली विकास जो है वाटरशेड विकास या फिर कहें जो आपका वाटरशेड डेवलपमेंट है किसके द्वारा जो है प्रायोजित है? राजस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। हरियाली एक तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट का नाम है, तो किस सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो वो है आपका हरियाली जो है, बात करें बच्चों सही आंसर की तो बेसिकली यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो ये राजस्थान से है, ना ही उत्तर प्रदेश से, ना ही कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ये है आपकी केंद्र सरकार की योजना। किसकी भैया? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है आपकी, या फिर कहें किसी राज्य सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रायोजित योजना है कौन सी? हरियाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है कहलाता है? ऑप्शन ए जल संग्रहण, ऑप्शन बी जल संग्रहण क्षेत्र, ऑप्शन सी खेत तालाब या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। तो देखो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है एक
कॉमन पॉइंट या फिर कह सकते हैं एक सामान्य बिंदु जैसे कह सकते हैं। आपने देखा होगा यदि चारों ओर से पानी एक कॉमन पॉइंट, मान के चलो कि आपका पानी यहाँ से भी आ रहा है, 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 लेकिन मिल कहाँ पर रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका जल संग्रहण क्षेत्र या फिर कहें वाटर शेड मैनेजमेंट, या फिर कह सकते हैं आपका जहाँ पर जल भरता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर शेड या जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो है 39 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध है, हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध है सिंचाई से, जल निकासी से, श्राव से, श्राव विधि से, या किसी से नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध है सिंचाई से, जल निकास से, श्राव विधि से, या किसी से नहीं। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो ऑप्शन बी जल निकास, जो हेरिंग बीन प्रणाली है उसका संबंध किससे आपका, जल निकास से। अगला क्वेश्चन, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था, ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1961 में। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था बच्चों कब, 1901 में। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ आपका, 1901 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है बच्चों, समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ियों में पानी देने को कहते हैं, समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को कहते हैं। ऑप्शन ए सीढ़ीदार सिंचाई, बी समोच्च सिंचाई, सी आपका नियंत्रित सिंचाई, डी आपका बेसिन सिंचाई। क्या कहेंगे बच्चों, समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहेंगे, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी या सी। नॉर्मली देखो समोच्च क्या कहलाता है, या फिर कहें समोच्च खेती आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो यदि हम ढलान के साथ या सिंचाई ढलान के साथ दे रहे हैं तो वो तो आपका समुच्चय है। यहाँ पर सीढ़ी मेंशन पहले से कर दिया है, तो यहाँ पर खेत सिंचाई कौन सी होगी, सीढ़ीदार। जब हमारे पेड़ बड़े होते हैं, सॉरी पहाड़ जो है बड़े होते हैं, जब पहाड़ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको सीढ़ीदार रूप में हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, या कहें सीढ़ी नुमा संरचना में हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो वो कौन सी खेती कहलाती है आपकी, सीढ़ीदार। और सीढ़ीदार में समुच्च पर या फिर कहें कंटूर पर सिंचाई करना क्या कहलाता है आपका, सीढ़ीदार सिंचाई कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, क्या भैया, ऑप्शन ए सीढ़ीदार सिंचाई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की जो है सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ऑप्शन ए है छादन कृषि, अच्छादन मतलब कि यह कहें कि आपके जो फसल अवशेष से ढकना, समुच्च जुताई, आवरण सस्य या उचित सस्य आवर्तन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, या फिर कहें पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वोत्तम क्षेत्रों में जो मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है वो आपकी कौन सी, आपकी समोच्च जुताई, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 42 वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है बच्चों, 43, गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, 10 से 20 30 या 40, किससे जो है कम होना चाहिए, क्या भैया आपका गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो वो होना चाहिए बच्चों किससे कम आपका, ऑप्शन डी 40 से कम, किससे भैया, ऑप्शन डी 40 से कम होना चाहिए, किसमें आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, किसमें गोबर की खाद में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रश्न नंबर 44 देखो दिया हुआ है, लिखा है सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, निसंचालन, खनिजीकरण, स्थिरीकरण, या इनमें से कोई नहीं। देखो सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व को बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, निसंचालन, खनिजीकरण, स्थिरीकरण, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी।
तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, निसंचालन की क्रिया। सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्वों के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी निसंचालन कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 या 45 दिया हुआ है। सनई एवं ढैचा की हरी खाद से कितने क्विंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? सनई व आपके ढैचा के जैव, ये कह सकते हैं आपकी जो हरी खाद होती है, या फिर कहें ग्रीन रूप में हरी खाद क्या होती है, जब जो है आपका पौधा खड़ी फसल को खेत में ये कहें कि दबा दिया जाता है, तो उसे हरी खाद की फसल कहते हैं। ठीक है, तो हरी खाद किसे निकल, कितने क्विंटल जैव पदार्थ या फिर कह सकते हैं वनस्पति मिलती है, तो 300 से 325 क्विंटल, 225 से 275 क्विंटल, या 200 से 225 क्विंटल, या ऑप्शन डी 225 से 500 क्विंटल। कितने क्विंटल सनई व ढैचा से हमें एक कह सकते हैं कितने क्विंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होता है? तो बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाता है 300 से 325 क्विंटल हमें क्या मिल जाता है, जैविक पदार्थ मिल जाता है, जैव पदार्थ मिल जाता है किससे, आपका सनई व ढैचा की हरी खाद से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 46वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है, जो पोटेशियम सल्फेट जो उर्वरक होता है उसमें गंधक या सल्फर की मात्रा कितनी होती है? गंधक या सल्फर की मात्रा कितनी, गंधक को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सल्फर कहते हैं, तो आपके जो है सल्फर की मात्रा कितनी होती है किसमें, आपका पोटेशियम सल्फेट में, तो वो होती है ऑप्शन सी 18% क्या होती है आपकी पोटेशियम सल्फेट में गंधक या सल्फर की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट, कौन सा उर्वरक जो है ये कह सकते हैं सबसे अधिक एसिडिक या अम्लीय उर्वरक है, तो वो है आपका अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। जो भी आपके अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल उर्वरक या फिर कहें अमोनियम जो नाइट्रोजन के उर्वरक होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, अम्लीय होते हैं। आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है आपका ये कह सकते हैं क्षारीय होता है, यूरिया आपका एमाइड है, सोडियम नाइट्रेट आपका जो है एक नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, ये बेसिकली आपका कैसा होता है क्षारीय होता है, कैसा होता है क्षारीय, सोडियम नाइट्रेट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 48 48वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है बच्चों। ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? मतलब ह्यूमस जो होता है आपका, ह्यूमस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से जो हमें पदार्थ मिलता है वो हमें क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन, ऑप्शन डी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा जो है किसकी होती है आपकी, किस में आपका, ह्यूमस में। ठीक है, या फिर कहें ह्यूमस के संगठन। तो बात करें सही आंसर की, तो यहां पर जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपका। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? मृदा उर्वरता, सॉरी उर्वरता स्तर, पीएच का मान, गठन या फिर कहें संरचना, कौन सा जो है ये कह सकते हैं मृदा का स्थायी गुण है, कौन सा जो है मृदा का स्थायी गुण है, तो वो है आपका मृदा का गठन, मृदा का गठन या सॉयल टेक्सचर। क्या भैया? सॉयल टेक्सचर, या फिर कहें मृदा कणाकार, जो है स्थायी प्रॉपर्टी है, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, किसको, आपका मृदा के गठन को, मृदा के टेक्सचर को क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न, मृदा बनी है जल से, ठोस व गैस से, ठोस से जल, ठोस व गैस तीनों से, मृदा जो है किससे बनी हुई है, बताइए आंसर। तो बेसिकली देखो, हमारा मिट्टी के अंदर क्या होता है, जल भी होता है, साथ में साथ आपकी गैसेस भी होती हैं, साथ में साथ आपका ठोस भी होता है, तो तीनों से बना है, जल, गैस व ठोस तीनों से मिलकर बना है कौन, आपकी मृदा। यहां पर आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, आगे जो है आपके अगले 50 क्वेश्चन बचे हैं उनको देखते हैं।
क्योंकि बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग, या फिर कहें आपके जो पैटर्न है, या फिर कह सकते हैं जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार ही एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है 51, प्रसार शिक्षा शब्द में पहली बार ईजाद हुआ, या फिर कहें कहाँ पर जो है शुरू हुआ था आपका प्रसार शिक्षा शब्द। ऑप्शन ए यूएसए में, बी यूके में, सी जापान, या डी भारत। कहाँ पर जो है प्रसार शिक्षा शब्द दिया गया था, तो वो आपका दिया गया था कहाँ पर, यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर कहें ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में, या 20 वर्ष में। तो भारत में जो कृषि जनगणना की जाती है बच्चों, वो प्रत्येक कब की जाती है, 10 वर्षों में की जाती है। कब की जाती है, प्रत्येक 10 वर्षों में आपकी भारत में कृषि जनगणना की जाती है। पशु जनगणना की जाती है 10 वर्ष, 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है, सॉरी, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है भारत में कृषि जनगणना की जाती है। विश्व में की जाती है आपकी 10 वर्ष में, विश्व का याद था, सॉरी आपका जो है भारत में किसकी कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, लेकिन विश्व में आपकी जो है कृषि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। तो भारत में आपका कब हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 वर्ष, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, 53वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया से आंसर करिएगा। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है कृषि प्रसार से, प्रबंध से, मृदा विज्ञान से, कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण से। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता किस पर निर्भर करती है, आंसर कीजिए ए, बी, सी या डी। तो देखो बेसिकली आपका प्रसार होना चाहिए, किसी भी योजना का प्रचार होना चाहिए, तो आपकी जो है ग्रामीण जो है जो परियोजनाएँ हैं उनकी सफलता किस पर निर्भर करती है, आपकी कृषि प्रसार पर। आप कितना भी प्रबंधन कर लो, मृदा विज्ञान का अध्ययन कर लो, कुछ भी कर लो, प्रशिक्षण ले लो, लेकिन जब तक आप उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचाओगे, जब तक वो कोई काम की नहीं है। तो यहाँ पर जो है प्रसार, कृषि प्रसार से जो है ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 दिया हुआ है आपका, 54, बढ़िया से नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले। शहर से दूर अशिक्षित बहुल ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है ए प्रसार साहित्य, बी बैठक आयोजन, सी आपका चलचित्र प्रदर्शन, डी आपका प्रदर्शन आयोजित करना। तो कौन सा जो है शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार का माध्यम है, तो बता दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों यहाँ पर चलचित्र प्रदर्शन, नॉर्मली यदि हम जैसे आपको दिखा रहे हैं, दिखा के पढ़ाते हैं, और भी कक्षाएं हमने जो है आपको प्रत्येक चीज़ को दिखा के पढ़ाया, वैसे ही आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप दिखा के उनको सिखाओगे कि ऐसे ऐसे कृषि क्रियाएं होती हैं, तो आपके जो है चलचित्र प्रदर्शन जो है अशिक्षित बहुल क्षेत्र में जो है बहुत ही सफल रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 55 दिया हुआ है आपका, 55वां क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन दिया है। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है जे आर डी पी, या फिर कहें उपयुक्त सभी। कौन सी परियोजना, या फिर कहें ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है, तो वो है बच्चों आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये चारों ही आपके क्या हैं, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है। छप्पनवा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। दूसरा, आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। तो यहाँ पर जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में कौन सा सत्य है, या फिर कौन से विचार कीजिए, उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है, या फिर कहें हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं सत्य, या कौन सा नहीं है। तो इसको पहले पढ़ लीजिए आप अच्छे से। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन वन है, सॉरी वन पॉइंट नंबर वन लिखा हुआ, परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा।
दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती या फिर कहें आपके जो दवाइयों या मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी खेती की जाएगी। तो बात करें सही कथन की, तो देखिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। ए बी सी डी आपने पढ़ तो लिया ही होगा, एक बार रिमाइंड करके दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, केवल दो, केवल एक और दो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर कीजिए 56 का क्या होगा सही उत्तर, पढ़ लिया होगा आपने, है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो दोनों है, ए और एक और दो दोनों है। अगला प्रश्न, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध है उपगामी, परवलयी, अपर वलयी या फिर कहें रेखिक। जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध उपगामी होगा, परवलयी होगा, अपर वलयी होगा या रेखिक होगा, कैसा होगा। बात करें बच्चों 57 की तो उपगामी होगा, कैसा होगा आपका उपगामी। जब उत्पाद वनस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं तो गहनता उत्पाद का संबंध किससे होता है, कैसा होता है आपका उपगामी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58वां प्रश्न दिया हुआ है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1 अप्रैल 2001 को, 1 जुलाई 2001 को, 1 अक्टूबर 2001 को या 1 जनवरी 2002। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 58 आंसर बताइए। तो जो आपकी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है ये कब शुरू हुई थी, 1 जुलाई 2001 को शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी आपकी, 1 जुलाई 2001 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 है आपका, 59वां प्रश्न देखो दिया हुआ है आपका 59। छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, 1 से 10 हेक्टेयर के बीच, 1 से 5 हेक्टेयर के बीच या 2 से 10 हेक्टेयर के बीच। देखो जो आपके 1 हेक्टेयर से नीचे वाले होते हैं, 1 हेक्टेयर से जिनकी जमीन कम होती है वो कौन से होते हैं आपके, 1 हेक्टेयर से कम है तो कौन से होते हैं आपके, सीमांत किसान। कौन से भैया, सीमांत किसान कहे जाएंगे। छोटे किसान कौन कहलाएंगे, छोटे किसान कहलाएंगे जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, ठीक। मध्यम किसान कौन से कहलाएंगे, मध्यम किसान कौन से होंगे आपके, जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर भूमि है और 10 हेक्टेयर से अबव है, तो वो कौन से किसान कहलाएंगे आपके, बड़े किसान कहलाएंगे। कौन से किसान कहलाएंगे, बड़े किसान कहलाएंगे, ठीक। आगे चल यहाँ पर बात करें तो सही आंसर की, तो यहाँ पर 1 से 2 हेक्टेयर वाले क्या फिर कहें, छोटे किसान, बैस किसान जिनके बीच जोत की सीमा कितनी होती है, 1 से 2 हेक्टेयर होती है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया, सुल्टज ने, मिलर ने, बोसरप या फिर कहें बेसेंटीन ने, किसने जो है आपका जो अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने का सुझाव दिया, तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है तो इसका आंसर जो है आपका सुल्टज ने कहा था, जो पुस्तक सुझाव अपनी पुस्तक इसमें ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया था, किसने आपका, सुल्टज ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, 61वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, गिर, साहिवाल, लाल सिंधी या फिर अमृत महल। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, दुधारू नस्लें मतलब कहें मिल्च पर्पज मतलब दूध देने वाली, जो अधिक दूध देती है, तो गिर है आपकी, साहिवाल भी दुधारू है आपकी, लाल सिंधी भी दुधारू है, जो नहीं है वो है आपकी अमृत महल। अमृत महल कैसी, आपकी ड्रॉथ पर्पज या फिर कहें आपकी ड्राफ्ट पर्पज या फिर कहें बोझा ढोने वाली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 है, 62 या फिर कहें 62वां प्रश्न दिया हुआ है, कलिंग का अर्थ है घरेलू पशुओं की एक प्रणाली, पशुओं का भोजन प्रदान करने की एक प्रणाली, अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली या सींग हटाने की प्रक्रिया। देखो
कलिंग क्या कहलाता है? यदि कोई आपका जो है पशु अनुत्पादक है, कोई काम का नहीं है, डिजीज है, तो उसको हम जो है पशुओं के झुंड से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है, अनुत्पादक पशुओं को की हटाने की एक प्रणाली है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, 63वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है। तीसरा जो चरण हुआ था आपका किसका, ऑपरेशन फ्लड या सफेद क्रांति का, वो किससे संबंधित है? आंसर कीजिए ए, बाढ़ नियंत्रण से, सूखा नियंत्रण से, कुक्कुट विकास में, या फिर कहें आपका दुग्ध उत्पादन में। तो किससे संबंधित है आपका, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है आपका, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, कुक्कुट आहार पोल्ट्री रेशन ए में निम्न में से कितना तंतु या फाइबर होता है, जो पोल्ट्री फाइबर होता है या फिर कहें जो आहार होता है, कुक्कुट आहार होता है, तो उसमें कितने परसेंट जो है रेशा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका लगभग 5%, या फिर कहें आपके तंतु या फाइबर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, और कृषि का लास्ट क्वेश्चन है, या फिर कहें आज जो है कृषि या फिर कृषि विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सॉरी लिखा हुआ है, दुहाई बाड़े के फर्श की, दुहाई मतलब कि जहाँ पर दुधाई की जाए, दुधाई मतलब कि जहाँ पर आपका जो है मिल्क को या फिर कहें दूध निकाला जाता है, फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm या 500 ppm, कितने ppm जो है आपका जो है क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए फर्श को जो है धोने के लिए, बताइए आंसर सफाई के लिए। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो आपका चाहिए होता है 200 ppm, कितना चाहिए होता है 200 ppm। ठीक, आंसर यहां पर कितना हो जाता है 200 ppm। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अब है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। आगे प्रश्न किसके हैं आपके, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के, क्योंकि आपके जो है एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल से आपके जो है 25 क्वेश्चन जो है फसल उत्पादन से या फसल विज्ञान से लिए गए हैं, 10 क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग से लिए गए हैं, 15 क्वेश्चन आपके जो है आपका जो मृदा विज्ञान से लिए गए हैं, 5 क्वेश्चन एक्सटेंशन से, 5 आपका जो है इकोनॉमिक्स से, और 5 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से। तो पूरे 65 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए कृषि आपके कृषि के। अब आगे हैं आपके जो है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखो आपको टारगेट दिया था ना आपने, देखो पहली वीडियो पे तो आपने 500 से ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है, आज की वीडियो पे 1000 एबव जाना ही चाहिए। अगर 1000 से ऊपर, ये कहें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि 1000 से ऊपर व्यू आए, ताकि आपको जो है अगली वीडियो जो है हम प्रोवाइड करा सकें। देखो ऐसा नहीं है कि अगर ये व्यू नहीं आए 1000 तो हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, कराएंगे बिल्कुल कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करके, ठीक है, क्योंकि सेट पेपर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, 100 क्वेश्चन है तो 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम जो है आपका थोड़ा टाइम लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोर द, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, पहले मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, या ऑप्शन डी प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो बताइए आंसर 66 का सही आंसर क्या होगा, 66वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्यक्रम काउंटर या प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर भंडार होता है आपका, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, या फिर कहें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड, या फिर कहें होने अगला कार्य होने वाले उसका पता होता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 67 दिया हुआ है, विच अमोंग द फॉलोविंग इज पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर कहें नन ऑफ दीज। तो बेसिकली हमें पता है कि लैपटॉप हम कहीं भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, लैपटॉप। 67 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है आपका, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, एलन ट्यूरिंग ने, जॉन मैकार्थी ने, बिल गेट्स ने, या टिम बर्नर्स ली ने, किसने जो है आपका कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI शब्द दिया था? तो वो दिया था बच्चों आपका किसने, जॉन मैकार्थी ने, किसने दिया था आपका, जॉन मैकार्थी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 दिया हुआ है यहाँ पर, 69वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी,
हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ LISP? निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? जॉन मैककार्थी को, एलन ट्यूरिंग को, या फिर कहें जॉन बैकर बैकस को, या मार्विन मिनिस्की को? आंसर कीजिए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो जल्दी से बता दीजिए, निम्नलिखित किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो भैया वो कौन है आपके? जॉन मैकार्थी को जो है आपका LISP का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, 70वां प्रश्न देखो दिया हुआ है आपका। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते क्योंकि मैच करना है यहाँ पे। मैच ऑपरेटिंग सिस्टम OS अब्स्ट्रैक्ट इन लेफ्ट कॉलम इन द हार्डवेयर कंपोनेंट इन द राइट कॉलम। बाएं कॉलम में OS ऑब्स्ट्रैक्ट का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें। थ्रेड इंटरप्ट, वर्चुअल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस मेमोरी, फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम CPU या फिर सिग्नल सिस्टम। इसको मिलकर ये कहें कि इनको मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पर थ्रेड है, थ्रेड आपका किसके साथ आ जाता है? CPU में होता है। थ्रेड का संबंध किससे आपका? CPU से। इसको थोड़ा सा, थ्रेड है, थ्रेड किससे मिलता है आपका? CPU, ठीक। फिर आपका जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, एक आपका किससे मिलता है? मेमोरी से। वर्चुअल एड्रेस स्पेस एड्रेस, या फिर कहें वर्चुअल एड्रेस स्पेस किससे? मेमोरी से। और फिर आपका जो है, जो आपका फाइल सिस्टम है, ये किससे संबंधित है आपका? फाइल सिस्टम जो है किससे, डिस्क से संबंधित है। और सिग्नल आपका किससे संबंधित है? आपका इंटरप्ट से संबंधित। सिग्नल क्या होता है? इंटरप्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाता है, ठीक। ऑप्शन सी, 70वें का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन ऑफ इंजीनियर प्रोडक्ट एंड सिस्टम। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ों का आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है? तो कौन सा है भैया, जल्दी से आंसर कीजिए। ABC, जल्दी से पहले हम आपको ऑप्शन बताए दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ। फ्रावेयर, फर्मवेयर, या फिर कहें आपका जो है बैचवेयर है, दोहरी तकनीक। दोहरी तकनीक आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो है आपका सही आंसर फर्मवेयर। कौन सा है आपका? फर्मवेयर, ठीक। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है नॉमिनल इंटरनल यूनिट, नॉमिनल इंटरनेट यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूसेज या नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। बताइए सही फुल फॉर्म क्या होगा आपका NIU का, NIU का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। जो NIU है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अर्थ क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन, CGI स्टैंड फॉर कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कॉमन गेटवे इंटरफेस या कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। सही आंसर क्या होगा? ABC या फिर D। 73 का आंसर क्या होगा? तो बात करें सही आंसर की CGI की, तो कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या कहलाता है भैया? CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI का फुल फॉर्म क्या होता है आपका जो है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है, 74वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट टैब स्टॉप इन वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? सेंटर, मध्य, राइट, दाहिना, लेफ्ट, बायां, डेसिमल, दशमलव। वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप स्टॉप है, ABC या फिर D। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखो वो है बायां,
बायां जो होता है वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है। अगला क्वेश्चन, प्रेसिंग कंट्रोल डी की इनवोक द डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस डी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस पैराग्राफ या फॉन्ट, क्या आ जाता है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर। तो बात क्या सही आंसर की, तो वहाँ पर आपका फॉन्ट आ जाता है। अगर कि हम कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी कुंजियां को दबाने से हमें क्या मिल जाता है, से एम एस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कौन सा आपका फॉन्ट का, ठीक, कौन सा आ जाता है फॉन्ट का। 76वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, डी सी ओ एक्स, डी ओ सी एक्स, डी ओ सी डी, एम डब्ल्यू डी। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कौन सा है, डी ओ सी एक्स, क्या है भैया, डी ओ सी एक्स, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डी ओ सी एक्स होता है, किसका आपका वर्ड का, डॉस, ठीक, क्या होता है, डॉस होता है, ठीक। तो यहाँ पर 76 का जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉट डी ओ सी, यहाँ पर डॉट होना चाहिए, डॉट डी ओ सी एक्स। अन एम एस एक्सेल फाइल कैन बी कॉल्ड अ, एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है सेल बुक, ग्रिड सीट, वर्क सीट या वर्क बुक। तो नॉर्मली जो आपकी एक एक्सेल फाइल होती है उसे क्या कहा जाता है, वर्क सीट कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, वर्क बुक कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, वर्क बुक कहा जाता है, एक एम एस एक्सेल फाइल को कहा जाता है आपका बच्चों क्या, वर्क बुक, ठीक। जो आपके वर्क सीट नॉर्मली ये क्या होता है, वर्क सीट का कलेक्शन होता है, इसे वर्क बुक कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, याहू, इंस्टाग्राम, को गूगल या बिंग। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी जो बिंग है, गूगल है, याहू, ये क्या है, सर्च इंजन है, यहाँ पर क्या है, सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, 79वां क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ बायोएस, बायोएस का फुल फॉर्म है ब्राउजर इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बीआईओएस का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, ब्राउजर इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्राउजर इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन सी, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली आपका जो बायोस होता है वो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर 79 का सही आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 है, पहले 80 को हम निकाल लेते हैं और कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य का डाटा को मैं बदलना है वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, सूचना में, ऑप्शन सी प्रोग्राम में, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट में। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है किसका आपका, प्राथमिक डाटा को बदलने का, तो वो किसमें है आपका, ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन या सूचना में, किसमें आपका, सूचना में परिवर्तन। आगे जो है आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, किसके, आपके कंप्यूटर के। अगला पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, यहाँ पर जो है हमने 65 क्वेश्चन आपके जो है कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81 और आपका यूपी जीके का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान है। तो वो आपका कहाँ पर है बच्चों, कानपुर के अंदर, कहाँ पर, कानपुर के अंदर है, और लखनऊ में भारतीय जो है गन्ना अनुसंधान संस्थान है, को क्या है आपका, लखनऊ के अंदर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, तो भैया वो कितना है आपका, 912, कितना है भैया लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का, 912। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 83 या 83वां प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित? जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, ऑप्शन सी प्रत्येक गांव का खुले में शौच से मुक्त बनाना, ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के घर घर तक पहुंचना। तो यहां पर बात करें बच्चों सही आंसर की तो हो जाता है आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शुरू किया गया इस दस्तक अभियान है किससे संबंधित है? आपका जापानी इंसेफेलाइटिस से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 84 है, 84वां क्वेश्चन है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोर्डिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट से केंद्र हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन डी रायबरेली, सीतापुर, ऑप्शन डी आपका रायबरेली। जल्दी से आंसर कीजिए ए बी सी या फिर डी। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आपका सोर्डिक लैंड से जो संबंधित या फिर कहें जनपद नहीं है वो है आपका कौन सा? सीतापुर। ऑप्शन सी सीतापुर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी जनपद जो है आपके किससे? सोर्डिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड से संबंधित है। सोर्डिक लैंड क्या कहलाती है? आपकी क्षारीय मृदा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक तो आपकी क्षारीय मृदा पाई जाती है। सबसे अधिक कहां पाई जाती है? आपकी क्षारीय मृदा। क्षारीय वह मृदाएं जिनका पीएच जो है 8.5 से क्या होता है? अधिक होता है, और साथ ही साथ जिसमें सोडियम के या फिर कहें सोडियम आयन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो वो की गई है आपकी कहाँ पर? गाजियाबाद के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? किस कहाँ पर की गई है आपकी? गाजियाबाद में। 85 या 85 का जो सही आंसर हो जाता है आपका सी गाजियाबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 है, 86वां प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 5, 6, 4 या 3। तो देखो उत्तर प्रदेश में 6 एक है केंद्रीय विश्वविद्यालय। कितने भैया? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक तो देखो काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, देखो हम गिनवाए दे रहे हैं। पहला है BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। थर्ड है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ के अंदर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक, पूरा ही लिख रहे हैं, जो कि आपकी कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। और आपका फोर्थ आ जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपका फोर्थ कौन सा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक, चौथा कौन सा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। पांचवा कौन सा है आपका? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, आपका एक तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी और आपका जो है केंद्रीय विमानन राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो कि आपका रायबरेली के अंदर है। तो 6 कृषि ये कहें कि 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 87, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो वो पाई जाए बुक्सा, भोटिया, खासिया, गोंड। तो वो आंसर है आपका ऑप्शन ए बुक्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबूता तालिब, कालीम या फैजी। तो वो आंसर हो जाता है आपका अमीर खुसरो, जो फारसी के प्रथम कवि थे और साथ में साथ भारतीय पर्यावरण को क्या किया? चित्रित किया। किसने आपका? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 है, 89वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? तो नॉर्मली उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो किसको समर्पित है? आपका ऋषि व्यास को समर्पित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 90वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, लिखा हुआ है गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार में थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। किसमें? देवरिया में, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा। तो आपका किसमें स्थित है? बस्ती के अंदर स्थित है। कौन सा आपका जो है? देवदह। अगला क्वेश्चन
जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या मुबारक शाह। तो वो था भैया आपका कौन? हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-7, NH-11, NH-2 या फिर कहें NH-3। तो कौन सा राजमार्ग जो है यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है? तो वो है आपका NH-7। कौन सा भैया? NH-7 यहां पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 93वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो बेसिकली देखो उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश में होगा, यूपी जी के पढ़ रहे हैं। तो आपका जो प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा जो प्लांट लगाने वाला जो है बना, कौन सा आपका? रामपुरा। वो कहां पर है? स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो भैया अब देखो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो बढ़िया से मिलाइए और आंसर कीजिए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? मिलाइए। सूची 1 में टेराकोटा के सामने चिन्हट है, लकड़ी के खिलौने गोरखपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन फिरोजाबाद, कांच का सामान वाराणसी। तो देखो यहाँ पर जो आपका टेराकोटा, टेराकोटा का संबंध किससे? आपका गोरखपुर से है। और आपका लकड़ी के खिलौने का संबंध किससे? चिन्हट से है। चीनी मिट्टी का संबंध किसके बर्तन का संबंध किससे? वाराणसी से। और कांच के सामान का संबंध किससे? आपका फिरोजाबाद से है, सॉरी हाँ सही है, सॉरी यहाँ पर ये है चीनी मिट्टी के बर्तन का संबंध, सॉरी टेराकोटा का संबंध गोरखपुर से, लकड़ी के खिलौनों का संबंध वाराणसी से, और चीनी मिट्टी के बर्तन का संबंध आपका चिन्हट से, और कांच के सामान का सामान किससे? फिरोजाबाद से है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है, ठीक है। टेराकोटा का गोरखपुर से, लकड़ी के खिलौने का वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन का चिन्हट से, और कांच के सामान का किससे? आपका फिरोजाबाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, प्रश्न नंबर 95 देखो दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में रैनकूट में हिंडालको की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से या शक्ति से? तो बेसिकली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति के स्रोत से, ठीक है, शक्ति के स्रोत से इसकी क्या है? निकटता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो यहाँ पर जो है ट्रोनिका सिटी जो है गाजियाबाद को कहा जाता है। किसे भैया? गाजियाबाद को ट्रोनिका सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो नोएडा जो है सही आंसर हो जाता है, गाजियाबाद में जो है ट्रोनिका सिटी है, नोएडा में नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। यहाँ पर जो है बी, जो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बी सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97 है आपका, क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है बच्चों, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? अयोध्या, पंचवटी, नैमिसारण, महोबा, वृंदावन। ऑप्शन बी प्रयागराज, इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, ऑप्शन कुशीनगर, ऑप्शन सी चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बैतूर या अयोध्या, ऑप्शन डी बिठोर, चित्रकूट, झांसी या कलिंजर या महोबा। मैं भी देखो जैसे मैं बुंदेलखंड से हूँ तो मुझे पता है कि बिठोर यहाँ पर जो है सही आंसर होता है, बिठोर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा से जो है बुंदेलखंड सर्किट में जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? ए एटा, बी इटावा, सी गोरखपुर या डी हमीरपुर। तो देखो ये भी आपका बुंदेलखंड का ही क्षेत्र है, तो हमीरपुर यहां पर सही आंसर हो जाता है। किससे जो है लाभान्वित है आपका? अर्जुन बांध नहर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 फिर आपका 100, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपके दो, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत? 60%, 85, 75 या 90? तो मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना? 95% जो है एक है योगदान है। अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। तो सभी को पता है कि प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है, या फिर कहें सबसे अधिक आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है।
आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखना, जो भी आपने प्रैक्टिस सेट वन में दिया है, पहले प्रैक्टिस सेट में दिया, ऐसे ही आप अपना प्यार जो है दूसरे सेट में भी बनाए रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, इसी के साथ इसको समाप्त यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेट में मिलते हैं जो कि आपका सीरीज नंबर 3 रहने वाली है, जिसमें आपका जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, आपका पूरा का पूरा सेट रहने वाला है, ठीक है। मिलते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन और कि जो भी आपके ये सेट पेपर है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हर संडे को जो है फ्री टेस्ट पेपर भी होता है, तो उसको लगाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।